Hello friends, do you want to speak in English? Like fluently and confidently without any hesitation. If you want to speak in English fluently, then don't forget to watch my videos. And yeah, don't forget to press the bell icon and like and subscribe my channel. Okay, if you press the bell icon, then you will get all notification related to my videos, how to be articulate in English. If you want to speak in English fluently, then watch my videos. But yeah, on condition then, watch फुल वीडियोस, आधा वीडियोस नहीं देखा करो भाई, क्योंकि हाफ नॉलेज इट्स अ डेंजरस नॉलेज. आधा वीडियो मीन्स आधा नॉलेज. पूरा वीडियो देखोगे पूरा नॉलेज मिलेगा. तो आपको पूरा नॉलेज लेना है तो पूरा वीडियो को पूरा देखा करो. बहुत बड़े वीडियो नहीं होते हैं, छोटे छोटे वीडियो होते हैं, यू कैन वॉच. ओके, देन लेट्स किक ऑफ. आप इन कहावतों को इंग्लिश में बोलना चाहते हो, लाइक भैंस के आगे बीन बजाना भैंस खड़ी पगुरा है और उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, और गरजते बादल बरसते नहीं, अच्छा करो और भूल जाओ, संतोषम ही परमम सुखम होता है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अच्छा करो भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल, इन सब को आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं? इफ या, देन लेट्स किक ऑफ. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हाउ टू यूज ये कहावते मुहावरे. आप वाइल्ड कन्वर्सेशन इन इंग्लिश कैसे यूज कर सकते हो, कैसे बोल सकते हो और आप कैसे अपनी इंग्लिश को इनहेंस कर. कि भैंस के आगे बीन बजाना भैंस खड़ी पगुरा है, इसका मतलब यही होता है. कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो समझने के लिए रेडी नहीं है, उसको समझाने कोई फायदा नहीं. देयर इज नो यूज टू मेक हर अंडरस्टैंड बिकॉज मेकिंग हर अंडरस्टैंड लाइक कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन. कास्टिंग पॉल बिफोर स्वाइन मीन्स गाइज भैंस के आगे बीन बजाना भैंस खड़ी पगुरा है. किसी को समझाने कोई फायदा नहीं हो, सुनने के लिए रेडी ही नहीं है, तो कास्टिंग पॉल्स बिफोर स्वाइन. ओके, और बोलिए गरजते बादल बरसते नहीं है. डोंट वरी यार, उसे बोल रहा है कुछ करेगा नहीं. तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो मीन्स भौंकते हैं वो काटते नहीं. एंड चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. अ नाइन डेज वंडर. चार दिन की चांदनी है फिर वही दिन फिर वही रातें. तो अ नाइन डेज वंडर, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात को इंग्लिश में बोलेंगे अ नाइन डेज वंडर. ओके, एंड नेकी कर दरिया में डाल. नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड कास्ट इन टू द रिवर. अच्छा करो और भूल जाओ, भगवान सब देख रहा है, सब अच्छा करेगा. ओके, जैसी करनी वैसी भरनी. एज यू सो सो यू रिप. जैसा करोगे वैसा पाओगे. ओके, संतोषम परमम सुखम. आह आह, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है बट संतोष रखने में बड़ा टाइम लगता है. ओके, आप कह सकते हो संतोषम परमम सुखम. तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंटेंटमेंट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस. कंटेंटमेंट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस. और चैट, जैसे को तैसा. एंड के मुंह में जीरा. आपने उम्मीद किया था कि आपको ज्यादा मिलेगा और आपको बहुत लेस अमाउंट मिला है, तो आप बोलोगे ये तो मेरे लिए के मुंह में जीरा के समान है. इट इज लाइक ड्रॉप इन द ओशन. ड्रॉप इन द ओशन, ऊट के मुंह में जीरा. ओके, एंड नाच न जाने आंगन टेढ़ा. अ बैड कारपेंटर क्वायरस ऑलवेज विद हिज टूल्स. नाच न जाने आंगन टेढ़ा मीन्स आता तो है नहीं, बहानेबाजी सौ कर रहे हैं, तो उस पर आप बोलेंगे आता कुछ नहीं है, तो वही हालत हो गई. नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो आप बोलोगे a bad carpenter quarrels with his tools. Okay, then my dear friends, आप इन कहावतों मुहावरों को बोलना स्टार्ट करिए while speaking in English, then definitely आपको बहुत अच्छा लगेगा और सब आपकी इंग्लिश से इम्प्रेस हो जाएंगे. वाओ, क्या इंग्लिश बोल रहा है, बोल रही है. ओके, देन आज से आप स्टार्ट करो इनको यूज करना while conversation in English. My dear friends, वीडियो को पूरा देख लिया करिए, पूरा देखेंगे पूरा ही नॉलेज. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. ओके फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग. बाय बाय, टेक केयर.